झांसी में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने कई समाज सेवी व्यापारी वर्ग द्वारा 29 जून को इलाइट चौराहे से महारानी लक्ष्मीबाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि सभी लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर शपथ भी ली। आप सभी लोगों के साथ आज मैं पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त झांसी, यहाँ पर आपके साथ जुड़े। यहाँ पर आज झांसी में एलाइट चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई पार्क तक एक प्लॉग रन का आयोजन किया गया। यहाँ प्लॉग रन में हमारा इससे अर्थ ये है कि हम सब लोग सुबह जॉगिंग जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, क्यों ना वॉकिंग करते करते या जॉगिंग करते करते जो हमें प्लास्टिक साथ में दिखता है हम उसको उठाएँ। इसी को मिलाकर एक शब्द बनाया प्लॉग रन। तो हम यही प्लॉग रन को प्रेरित करने के लिए सभी बच्चों को, सभी हमारे साथ, कई छात्र हमारे साथ यहाँ जुड़े, कई खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, कई समाजसेवी यहाँ पर जुड़े हैं। तो इससे यही एक संदेश जाए कि पूरे झांसी में एक संदेश जाए कि हमें प्लॉग रन करना जो है वो बहुत अच्छा है। इससे पहला फ़ायदा ये है कि जो आपकी प्लास्टिक हमें दिखता है आसपास उस वो ख़त्म होगा। दूसरा, जो प्लास्टिक यूज़ करता है, जो प्लास्टिक इस्तेमाल करके सड़कों पे फेंक रहा है, उसको भी एक संदेश जाएगा कि देखिए हम प्लास्टिक तो हम फेंक रहे हैं लेकिन उठा कोई और। देखिए क्या है, जब जागो तब सवेरा है, जब जागो तब सवेरा। अगर आज ये निर्णय लिया गया है, वैसे निर्णय तो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन जागरूकता हमें अपने आप में लानी है। उनकी मतलब ये नहीं, हमने देखा कि हमारे मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने सफाई पर जोर दिया है, लेकिन क्या है, लोग अवेयर नहीं हैं इसके लिए। लेकिन अभी जो अवेयरनेस आई है और मोदी जी के इतने प्रयासों से, वो हम लोगों के लिए भी, एक भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, बहुत जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे जो भविष्य के निर्माता हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और आज जो ये हमारी शुरुआत झांसी के हमारे नगर आयुक्त जी ने, पुलकित गर्ग जी ने की है जी, ये आदेश अभी आया है, ठीक है, जब जागे तब सवेरा। लेकिन ये प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जो है ये तो बहुत समय से चल रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद ही अवेयर होना होगा, खुद से ही शुरुआत करनी होगी। जब नागरिक या हम जैसे लोग अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे तभी अपने शहर को, अपने भारतवर्ष को प्लास्टिक मुक्त बना पाएंगे। वास्तव में जो प्लास्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसको जब हम लोग फेंकते हैं तो ये टनों कूड़ा, एक दिन में टनों कूड़ा इकट्ठा होता है। और इस प्लास्टिक को इकट्ठा होने से पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है, नालियां चौक हो रही हैं, और इतने कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए भी नगर निगम को हर क्षेत्र में प्रयास करना पड़ते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि नागरिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करना बंद करें। ये तमाम कूड़ा जब ना निकलेगा तो ना इकट्ठा होगा। देखिए आज भारतवर्ष में जिस तरह से सरकार काम कर रही है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और प्लास्टिक के प्रदूषण से कई उदाहरण आपको देखने को मिले होंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रदूषण रहित चीज़ है। और अगर पॉलिथीन को बैन किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे विकास की रफ्तार में तेज़ी आएगी और कहीं ना कहीं गाय और भी कई जो उसके नुकसान थे, जब गाय वगैरह हमारी जो है प्लास्टिक से पॉलिथीन खा लेती थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं इन सब विसंगतियों से भी हमें छुटकारा मिलेगा और देश विकास की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए हमें बेहद खुशी की बात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।